एक साहूकार था जिसके साथ बेटे और सात गवाएं थी। दिवाली से पहले कार्तक बती अष्टमी को सातों गवाएं अपने इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर शाहू की मां थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से शाहू का बच्चा मर गया। इससे शाहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह सात दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित जी को बुलाकर पूछा, मेरी संतान सातवें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित जी ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय शाहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी, क्या देखती है कि साहूकार के बेटी की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, शाहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सुबह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया, उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा, तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून देकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, सात समुद्र पार शाहू माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठा कर शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुए पड़ गई है। तब सूर्य के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुए निकाल दी। इस पर शाहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे सात बेटे और सात बहू होगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, सात बेटे कहाँ से होंगे? शाहू माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड पर कंकरी हूं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास मत पड़ी है। सुन शाहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया, जा तेरे घर पर सात बहुएं मिलेगी, तू जाकर उजमट करियो, सात हो बनाकर सात कढ़ाई करियो। यह वह लौट कर घर आई तो देखा कि सात बेटे सात बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई, उसने सात ओही बनाई, सात अजुमन की और सात कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धूप पूजा कर ले, कहीं छोटे बच्चों को याद करके न रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची से घर जाकर देखाओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मार रही है, खूब उजमण हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी कि तुमने कोख कैसे खुलवाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी, अब शाहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे शाहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू को कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलियो। एक कटोरी में गेहूं के दाने लेकर कहानी सुने, इस दिन मिट्टी में हाथ नहीं डालना चाहिए। साहू माता, ये अहोई माता की जय।